नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्श। आप देख रहे हैं अर्श हरे टेक न्यूज़। पीछे का बैकग्राउंड देखिए, कुछ लगा भाई हरे कलर का। भाई हरे कलर ही क्यों, ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रखी मैंने, आपको पता है। और इससे मैं बैकग्राउंड ऐसे चेंज करता हूँ, देखा चेंज हो गया बैकग्राउंड। और एक और चुटकी बजा, देखो चेंज। अब ऐसा मैं कैसे करता हूँ, जादू है क्या? नहीं भाई, मेरे को कोई जादू नहीं आता। पीछे ग्रीन स्क्रीन पे ही रिकॉर्ड हो रहा है, बैकग्राउंड जो वो मेरा ग्रीन पर्दा ही है, लेकिन कैसे मैं अलग अलग जगह पहुंच रहा हूँ, हाउ? तो इस वीडियो में जानी है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर ग्रीन स्क्रीन है क्या। ग्रीन स्क्रीन मतलब एक तरह से, एक आप देख लीजिए, टेक्निक है। पीछे आप कुछ भी कलर का, सेम कलर का बैकग्राउंड लगा दीजिए या सेम कलर की चीजें लगा दीजिए, और आप बैकग्राउंड इजीली चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा मूवीज के अंदर भी होता है, मूवीज के अंदर भी ग्रीन स्क्रीन का यूज होता है। अब आप पूछेंगे भाई ग्रीन कलर का ही यूज क्यों करना है? ग्रीन कलर का यूज इसलिए करना है कि ग्रीन कलर के कपड़े बहुत कम जने पहनते हैं, कभी कभार पहनते हैं। मैं हरियाली अमावस्या पे पहनता हूँ, उसके अलावा नहीं पहनता, बहुत कम पहनता हूँ। तो इसलिए क्या, अगर मैंने अभी मैंने ना क्या ग्रीन कलर का, ग्रीन की जगह पर्पल करा होता है, ये मेरा पर्पल कलर का ये टी शर्ट है, तो भाई मैं कह लिए मेरा ये चेहरा दिखता और ये हाथ दिखते, बाकी सब गायब, और ये बीच में ये लाइन्स दिख जाती। इसीलिए आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जिस कलर का है, उससे मिलता जुलता कलर आप ना पहने वीडियो के अंदर, या आप यूज ना करें उस कलर का कुछ भी। बाकी बहुत इजी ग्रीन स्क्रीन को यूज करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत जुगाड़ू स्टाइल में ग्रीन स्क्रीन सेटअप करी है, अगर आपको भी लेना तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ। अब मैंने कैसे सेट करी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए मेरा जो सेटअप है ये रहा। अगर आपको भी ग्रीन स्क्रीन यूज़ करनी, मंगवा ली आपने, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, एक रूम में लगाए रखे, बार बार हटाए और निकाल देना। अब मैंने कैसे सेट करा आपको बता देता हूँ। मैंने जगह जगह पे ये जो आई है, ये इसके साथ नहीं आई, घर पे पड़ी हुई थी, ये देखिए आप, इस तरीके 10-15 पड़ी हुई थी जो मैंने अलग अलग बीच बीच में लगा दिए हैं। और एक वायर टाइप कुछ है जिससे मैंने इसको बांधा है। अब ये जो वायर है ये 50-100 रुपये के आसपास आता है, घर पे पड़ा हुआ था, तो इसलिए मेरा काम आसान हो गया। अब लाइटनिंग की बात करें तो लाइट्स किस तरह यूज़ करनी मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि देखिए ये एक लाइट, ये एक लाइट मेरे को प्रॉपर लाइटिंग दे रही है। मैंने ये जो लाइट मंगवाई थी ये भी मेरे लिए यूजलेस हो गई, अब उसको रिटर्न कराऊंगा मैं। ये देखिए इस तरह की लाइट है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। और जब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो पर्दा आएगा आपका जो आप मंगवाएंगे अमेजन से, ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप आराम से पर्दे के आर पार देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने करा है भाई, हाफ फोल्ड कर दिया है, काफ़ी बड़ा आता है, तो अब मेरे को इजीली देखिए आप, अब नहीं देखने को मिल रहा पर्दे के आसपास, आजू बाजू देख लीजिए। तो इस वजह से मैंने इसको हाफ फोल्ड कर दिया, जो सेफ्टी पिन से इसको होल्ड करा है। और उसके बाद इसमें काफ़ी सलवटें रह गई थी, लेकिन अब मैंने क्या जुगाड़ बिठाया मैं आपको बताता हूँ। अच्छा 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 तो मैंने ये जो डंडा था, ये डंडा रख रखा था, तो उस वजह से क्या इसमें जो सलवटें थी वो हट जाती ऑटोमेटिक। ये देख लीजिए, ये आप लगा सकते हैं, आप भी घर में होगा डंडा होगा, नहीं तो कोई ट्यूबलाइट होगी, ट्यूबलाइट का भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी एकदम ऐसे जो स्ट्रेट मटेरियल हो उसको रख दीजिए, तो आपको थोड़ा सा ये जो आ रहे ना वेव्स, ये नहीं मिलेंगे, और ये रहेंगे तो आपके एडिटिंग में आपको दिक्कत देखने को मिल जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा ट्यूटोरियल, मैंने जिस तरीके से दिया शायद से आपके लिए काफ़ी होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर लाइटनिंग का जो आपको कन्फ्यूज़न रहा हो, मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे इस तरफ और इस तरफ ऑटोमेटिक लाइट्स लग रही, जो मेरे को ज़रूरत नहीं है, आपको बता दूं आपको लाइट्स कुछ इस तरह रखनी जिससे बैकग्राउंड में आपको कोई शेडो देखने को ना मिले, जिस तरह आप मेरा देख सकते हैं। अब मैंने डंडा तो निकाल दिया, जिस वजह से क्या इसमें सारी काफ़ी सलवटें आ गई, जो मैं बैकग्राउंड चेंज नहीं कर रहा हूँ इस बार, सीधा ग्रीन पर्दे रहने दे रहा हूँ। बट आपको मैंने बता दिया किस तरह कर सकते हैं। अब और इसका जो ये वीडियो आएगा जिसमें आप फिल्मोरा से, मैं आपको करके बताऊंगा कैसे एडिट करता हूँ मैं फिल्मोरा के अंदर बहुत इजीली ग्रीन स्क्रीन का, तो उसका ट्यूटोरियल के लिए आपको रुकना पड़ेगा जो कल आएगा। कल मैं आपको बताऊंगा किस तरह मैं फिल्मोरा में करता हूँ बहुत इजीली, एक क्लिक के अंदर इजीली आप एडिट कर सकते हैं फिल्मोरा से या किसी भी सॉफ्टवेयर से जो आपको ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन देता है, ग्रीन स्क्रीन से बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन देता है। अगर आपके पास ग्रीन पर्दा नहीं भी है, कोई और कलर का पर्दा है जो एकदम यूनिफॉर्म है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस तरह की चीज़ें आप ना पहने ना वीडियो में आने दें।
नहीं तो वो भी गायब हो जाएगी यार। तो इसीलिए तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे अगले वीडियो का वेट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी वो वीडियो आएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।